अब मैं जिस हीरो को बुला रहा हूँ, समझ गए? बस, well said. इसकी परफॉर्मेंस को सारे रैपर्स देखते हैं विद दूरबीन. I want to call फरदीन. देख मेरे पीछे यहाँ बहुत सारे, तेरे बारे लिखूं होता ये ख्याल जाहिर, जैसे मेरे रैपरों पे होता ये ख्याल जारी. ये मेरा बचपन का दोस्त था, जब मैं छोटा सा था, बहुत नर्सरी क्लास में, जब से हम दोनों दोस्त हैं. ये मेरे बारे में सब कुछ जानता है कि क्या क्या वक्त गुजरा मेरी लाइफ में, कैसे कैसे स्ट्रगल्स आए, कितनी कितनी मजबूरियाँ आई. कभी कभार तो ऐसा वक्त आता था कि मेरे पास पैसे नहीं होते तो मैं अहमद से लेता था. मेरे बाल तक कटवाने के वैसे अहमद ने दिए. अब्बा सीन क्या है? अब्बा सीन पूरा फिट है, हम ही तो लेटते हैं, बाकी सब स्निटते हैं और चीड़ देंगे लड़के, चीड़ देंगे. यो 2015 में आने के बाद ना आपके भाई का सीन हो गया हिट, और मतलब अब जो है ना, अब यहाँ से होती है कहानी शुरू. What are you doing today? क्या कर रहे हो आज? बीट द क्लॉक वर्स करूंगा कि एक मिनट में मैं कितना तेज वर्स कर सकता हूँ. ओके गुड लक. बाइज्जत रिहाई उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत होती है. तुम्हारा मुकदमा बेशक इस अदालत में खत्म हो गया हो, लेकिन मेरी अदालत में अभी शुरू नहीं हुआ. Yeah. रास खास मेरे पास काफी लिटल, तेरे मुंह पे दूंगा पंच लाइन 70 के क्लच लीवर में, सिक छोटे चढ़ा मुझे फीवर, मैं एवर रेडी चार्ज हो तू पटा हुआ स्पीकर ना, बट ना छोड़ लड़के तेरे अंदर वजन ना, मेरे लिरिक्स मौत देते मिले तुझे कफन ना, शी वाज माय फीलिंग्स अब करे तुझे पसंद ना, कभी तुझे खाना होता नहीं हजम ना, हर बात पे तू कर देता फुस, पेडल कर छोटे यहां हमारी नहीं चुस, बॉम है तू फिर हो गया कि फुस, मैं एवर रेडी चार्ज हो तू पटा हुआ यूज ना, नेवर माइंड ब्रो ये तो सच्चाई है, मुझसे है बैटल तो मौत तेरी आई है, बहुत कुछ है माइंड पे पर काबू किया सोच पे, तेरे जैसे रैपर खत्म एक वर्ष से, ये रैप गेम का सैयद, हिप हॉप मेरा मरकज पड़ी तेरी मैयत, हल्के में ले रहा है मेरे इनवर्सेस को आ गए, ये जैसे ये जान ले मजला, तेरे जैसे लड़के का खजाल है ये, ए ए नो वन सिन बीडिट आ, इसके आगे काफी जज्बात हैं ये. तुम्हारे बाप होते हैं नाम है शहंशाह. फरदीन यू कीप डूइंग द सेम मिस्टेक, यू कीप डूइंग द सेम मिस्टेक ब्रो, चिल्लाते हो और वहां से ऑफ बीट, जम मारते और वहां से ऑफ बीट, ये तुम करते रहोगे, ये शायद तुम्हारा आज लास्ट एपिसोड होगा, फिर चलांगे मारते रहना बाहर. आई एम सॉरी सर. लिरिक्स सब सही है, फ्लो सही है, लेकिन जहां तुम ओवर एक्टिंग के चक्कर में वो बर्बाद कर देते हो अपने काम को. सॉरी. ये तुम अपने लिए कर रहे हो या उसके लिए कर रहे हो, हैडी के लिए? सर ये नहीं नहीं तुम अपने लिए कर रहे हो कि हैडी के लिए कर रहे हो? सर अपने लिए. तुम बाहर जाओगे तुम्हारा नुकसान होगा, हैडी का नुकसान होगा? मेरा होगा सर. यार केडेंस एक चीज होती है, फास्ट रैप सब करते हैं. ओके सर. सही है वो. फिर आप जब केडेंस पे ध्यान देते हो ना तो आप ऑफ बीट कभी भी नहीं जाते, आप भले जंप मारो कुछ भी करो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप अपने केडेंस पे ध्यान देते हो, लिरिसिज्म डिलीवरी पे ध्यान देते हो, आप जब डिलीवर करते हो ना अपने लिरिक्स को उस पर बस आप अपना माइंड रखा करो, क्योंकि आप ऑफ बीट हुए जब आपने जोर से करना शुरू किया, दैट शुड हैव नॉट लाइक मेड अ मिस्टेक. जब उस मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था आपका बीट, मैंने कहा था फरदीन क्योंकि आपकी लास्ट परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी. Yes. यहाँ पे अभी वही वाली बात, आप ऑफ बीट थे. मैं सिर्फ मैंने इसीलिए सर को कहा कि पहले संग से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज आई वांटेड टू मेक श्योर कि क्या ऐसा हुआ है. वो इस बीट से ज्यादा जब आप आगे जाते हो या पीछे जाते हो वो फॉरेन फील होता है, स्पेशली रैप में आई बिलीव, एंड आई फेल्ट द सेम थिंग. मैं तुम्हें हमेशा एक बात समझाई है कि रिएक्शन मैटर्स. हैडी ने जो भी तुम्हें किया वो जानबूझ के, उसको पता है कि तुम रिएक्शन देते हो, उसको पता है कि तुम सब कुछ भूल जाओगे, ये शो हो रहा है, तुम अपनी परफॉर्मेंस बर्बाद कर दोगे इस चक्कर में. सर आई जस्ट वांट टू से कि पहले दिन से मेरा भाई है, वो ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ सब जानते हैं कि शुरुआत मैंने नहीं करी थी. ठीक है भाई, आप प्लीज खड़े हो जाए. ठीक है, मैं भाई के पास आ जाता हूँ अपने. हाँ. टेंशन वाली बात नहीं है, गले में ले आ रहा था. लेकिन सीन यह है कि जब आप एक कॉम्पिटिशन का हिस्सा होते हो, तो अभी मैं टीम बी में हूँ. ठीक है, सो आई एम रिप्रेजेंटिंग माई टीम. ठीक है, मेरी मैम को. तो अगर मैं उसमें कोई बार करता हूँ या मैं कोई पंच लाइन मारता हूँ, तो वो मैं अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं उसको ऊपर लाने के लिए मार रहा हूँ. इसका मकसद ये नहीं है कि मैं पर्सनली आपको हिट कर रहा हूँ. बिल्कुल. जैसे मैंने वो लास्ट एपिसोड के अंदर एक बार किया था, तो वो मैंने पूरी टीम को जाके किया था, वहाँ पे और लोग भी थे. ठीक है, तो अगर भाई को बुरा लगा, ठीक है, मैंने किसी को पर्सनली डिस नहीं किया था, लेकिन इसने लास्ट परफॉर्मेंस करी उसमें भी आके इसने मेरा नाम लेके बोला कि मैं डिस कर रहा हूं. ब्रो डिस करना है, कर मसला नहीं है, ये रैप है, हिप हॉप है, लेकिन अगर तू कर रहा है, हिप हॉप जो है वो डिस कल्चर है ब्रो. ठीक है, ओके, इट्स ऑल अबाउट डिस. बट मैं सिंपली एक बात कहना चाहूंगा, अगर कर रहा है अच्छा तो करना, लाइक लिटरली ब्रो अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, लाइक आप फील करो कभी बैठ के ना. चल मैं आज दिखाऊंगा अच्छा. फरदीन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है सर. नहीं बहुत अच्छा है.
मेरी आंखों में देख के बोलो बहुत अच्छा है। बोलो बहुत अच्छा है, एक दफा बोलो। अपनी तरफ से तो मैंने बैच दिया ना। नहीं, लेकिन बोलो बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। ब्रो मुझे हराने पे छोड़ के ना कंपटीशन जीतने पे आ। ब्रो मैं मुझसे भी अच्छा अपने लिए कर रहा हूं ब्रो। गाइस गाइस गाइस, इफ आई शुड से दिस, बट इफ ही हैज डन इट डेलिबरेटली, इट वाज अ वेरी स्मार्ट मूव फ्रॉम हिम, बट अ वेरी सिली मिस्टेक बाय यू। मैंने कहा ना तुम्हारा रिएक्शन मैटर करता है, तुम्हारा रिएक्शन यहां पे इन सारे लोगों के लिए जो आपको देख रहे हैं। तुम पाकिस्तान के लिए कर रहे हो, तुम पाकिस्तान के स्टार रैपर के लिए कर रहे हो। वहां पे कौन बैठ के क्या बोल रहा है, इट डजंट मैटर। वो मेरी टीम का बंदा है, इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव दैट ही हैज मेड, बट ही हैज मेड अ सिली मिस्टेक हियर। You shouldn't be doing that. ये एक बात I think हर रोज हम करते जरूर हैं कि आप जज्बाती हो, उस चीज का फायदा दूसरी टीम उठाती है। और उसने उठा लिया। I don't चाहता था, उसने कर दिया। Nobody hates you है। Exactly. एक चीज, nobody hates you. तुम्हें यहाँ आने से पहले मैं समझाता हूँ, तुम्हें गाइड करता हूँ। Yes. वो बातें कहाँ जाती हैं, तुम सुनते हो? हाँ समी भाई, समी भाई सही है, समी भाई सही, यहाँ आके फिर तुम वही करते हो जो तुम्हारा दिल करता है। मोस्टली मैंने ये बात कही थी कि ये शॉर्ट्स हैं जो हेडी पे हैं। अबे शॉर्ट्स की बात सही है, तुम परफॉर्मेंस खराब कर रहे हो अपनी। बात आप माने कि आपके बाद लिटरली मैं हेडी पे शॉर्ट्स लूंगा। ये शॉर्ट्स लेना एक अलग बात। देखो मेरी बात, एक सेकंड एक सेकंड, पहले तो आप थोड़ा सा एक चीज देख लीजिए। आपकी मर्जी है, वो नाउ आई एम गोना करेक्ट यू, लेकिन यू शुडंट बी आर्ग्यूइंग ए अपने मेंटर्स के साथ, तो बिल्कुल भी नहीं। Okay. बिल्कुल भी नहीं। दीज पीपल इन्वेस्टिंग टाइम एफर्ट टू मेक यू बेटर, ठीक है? इस मुकाबले में जब खत्म होगा तो कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, इनको नहीं मिल रहा है, आपको मिलेगा। ये नहीं जीतेंगे, आप जीतेंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगेन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, किसी के लिए भी अपनी परफॉर्मेंस खराब करने की जरूरत नहीं है, किसी के लिए भी। प्रॉब्लम क्या हो रहा है भाई कि तुम्हारा एटीट्यूड का इशू आ रहा है, और वो डे फर्स्ट से आ रहा है। जब मैंने तुम्हारा पहला ऑडिशन देखा था, सिर्फ इशू पता है क्या है जो मुझे फील हुआ, तुम्हारा इशू है तुम्हारे एटीट्यूड का। हाँ तुम शायद सुनने से पहले जवाब दे देते हो, बात किसी की कंप्लीट नहीं होती, तुम्हारा जवाब रेडी होता है। तब से आज तक तुम्हारा एक प्रॉब्लम है, तुम ई को ना गो कर दो। पॉइंट समझ रहे हो मेरा? ई को गो करो अपनी, तो तुम्हारा ध्यान ठीक हो जाएगा। Do you want to give me a chance? No, not yet. सोचोगे? मैं भी सोचूंगा। किसी भी वक्त बुला सकते हो तुम किसी एक को। हाँ, ठीक है। बिल्कुल। जिसको तुम समझते हो कि दोबारा से वो करें। बिल्कुल। All right. So enough said. Thank you, Fardeen. बहुत-बहुत शुक्रिया। Thank you, Fardeen. Thank you, जी।